बाह ब्रेकिंग न्यूज। थानाबाह क्षेत्र में एक मामला आया सामने। खुलकर नगर पालिका मोहल्ला तकरिया शहर एक बेटी लड़ रही है जिंदगी मौत के बीच बिटिया दिवस के ऐसा मामला सामने आया। प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन कुछ जालिम लोग बेटियों को जीने नहीं देते। बाह निवासी तकरिया शहर की बेटी सात दो 2016 में गांव जिला भिंड मध्य प्रदेश में हुई थी। पूरी रीति रिवाज के साथ बेटी के पिता ने दिया था लाखों रुपए का दहेज। पिता ने अपनी बेटी को बड़े खुशियों के साथ विदा किया, लेकिन कुछ महीनों ही बेटी ससुराल में खुश रहे। उसके बाद बेटी के साथ दुर्व्यवहार होने लगा। जब ससुर सास एवं बेटी का पति आए दिन मारपीट करने लगा और दहेज की मांग करने लगा। 2 लाख एक गाड़ी डिमांड कर दी बेटी का पिता देने में असमर्थ, तो निर्दयी बेटी के ससुराल वाले अत्याचार पर अत्याचार करने लगे। यहाँ तक कई एक बार बेटी की हत्या करने का षड्यंत्र। इस बात की जानकारी बेटी के परिवार वालों को पता चला। अत्याचारों ने बेटी के ससुराल भेजने से मना कर दिया, लेकिन सगे संबंधी रिश्तेदारों की वजह से कई एक बार पंचायत के तौर पर सुलहनामा करके बहला फुसलाकर बेटी को ले गया, लेकिन वही पुरानी अत्याचारी कहानी फिर से दोहरा दी। तंग आकर थाना में गांव में बेटी ने शिकायत पत्र भी दिया, लेकिन थाने के कुछ अधिकारी डरा धमका कर भगा दिया। बेटी शारी उसे घर में अत्याचार सहते हुए अपना जीवन गुजारा कर रही थी। जालिमो इतना अत्याचार करने पर मन नहीं भरा, एक बेटी की हत्या करने षड्यंत्र रच लिया। पति जेठ और सास तीनों लोगों ने बेटी को दबोच लिया। केले सागर गला दबाते हुए बेटी की हत्या करने की कोशिश की। किसी भी तरीके से उन जालिमों से वहां से छत कूद कर भाग निकली। अपनी जान बचाकर किसी भी तरीके से अपने मायके रोती बिलखती लंबी सांसें लेते हुए अपने घर पहुंची और पूरा हाल अपनी माँ की गोद में रो रो कर बताया। आसपास के लोग इकट्ठे होकर ये मंजर देखकर आंसू निकल पड़े। अपनी बेटी को लेकर थाना बाह में तहरीर दी। ससुराल जनों के खिलाफ पुलिस ने बेटी को मेडिकल के लिए आगरा रेफर कर दिया और बेटी के परिजनों को कानूनी कार्यवाही एवं दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर, नीरज धनगर की रिपोर्ट। साथी नीरज यादव के साथ। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ रहते हैं बाइक पे सुनती मोहल्ले में। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ जानलेवा कोशिश की गई है। किस लोगों ने की गई है? हमारे जेठ, हमारी सास, हमारे ससुर, हमारे आदमी ने। कहाँ पे ससुराल है आपकी? हमारे ससुराल महंगा है। किस बात को लेकर आपके साथ मारपीट की गई? मांग करते हैं सर, मांग करते हैं, कहते हैं अपने घर से पैसे लेके आओ और हमें 2 लाख कर नहीं देती हो तो उल्टा सीधा काम करवाते हैं। मांग करते हैं सर तो मुझे मारते हैं। मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई है गले मसक के। मैं वहाँ से छत से खून के भागती हूँ। क्या नाम है जिन लोगों ने आपके साथ ये मारपीट की? का नाम गब्बर है, जिसने पहले मेरा गला मसका है। आदमी का नाम सुनील है और सास का नाम सायरा और ससुर का नाम दौलत है, जिसने मुझे पीछे से सास ने मुझे बहुत बेरहमी से बाल पकड़ के मारा सर। इस संबंध में आपने थाने में शिकायत की? की थी सर, बहुत बेइज्जती से मुझे वहाँ से भगा दिया गया। रात को मैं 1 बजे गई थी सर। ये हादसा मेरे साथ काफ़ी सालों से हो रहा है, 4 साल हो गए शादी को। मैंने बहुत कोशिश की पुलिस वालों को। किस थाने से भगाया गया? महंगाव थाने से भगाया गया। मैं 8 बार कम से कम गई हूँ वहाँ पे, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पे आपने किसी शिकायत की? यहाँ पे मैंने पहली बार शिकायत की। मेरे भाई मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे पूरी हिम्मत दी है। मैं उनकी हिम्मत के वजह से खड़ी हुई हूँ और मैंने ये सब किया है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जन्नत है। जन्नत जी, ये आपकी जो बेटी है, क्या घटना हुई है, क्या समस्या इसकी? आए दिन ऐसा करते हैं। 5 बार मैं पहुँचा चुकी हूँ लड़की को और अब मैंने पुलिस के जरिए से पहुँचाई थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं। कौन क्या करता है? उनके ससुर और सास परेशान करते हैं। हम लोग गए थे, हमें भी मारने के लिए आ गए थे सारे जने और गलियों में भगा भगा कर मेरी लड़कियों को मारा है। कितने दिन से ये समस्या चली आ रही है आपकी? हमारे तो खैर 4 साल से परेशान रख रहे हैं, लेकिन हम जब भी पहुंचा देते हैं इसलिए कि घर उसको बनाना जाए। क्या 4 साल विषय में आपने किसी कोई शिकायत पत्र किसी को दिया? किसी को शिकायत नहीं करी, ऐसे मशवरा करके पहुंचा दिया, लेकिन अब किसी हमने पुलिस से पहुंचाया था। सम्मेलन वालों से भी मैंने कहा था 2-3 बार, भाई सर हमारी लड़की को परेशान किया जा रहा है, तो बोले आपका घर का मामला है, आप पहुंचाओ। हमने फिर भेज दिया उसको। आपके सोन ने ऐसा करा है, जब मैं पहुंची थी ना तो ये अपने हालात से सही नहीं थी,
फिर मैं इसको थाने लेके गई तो उन्होंने कह दिया मुंह उठा के चली आती हो। मैंने कहा आपने वर्दी क्यों पहन रखी है? किसने कहा था? उन्होंने कहा था पुलिस वालों ने, कहा की कुछ महंगाओं में। मैंने कहा, मैंने कहा आप वर्दी क्यों पहने हो, आपका डर नहीं है उनको? तो फिर वर्दी उतार के रोक दो, मैंने ये कहा था उनसे। तो बोले उधर बैठ जाओ जाके, तो हम उधर बैठ गए। हम पूरे दिन बैठे रहे लेकिन हमें कोई सुनवाई नहीं की गई वहाँ पे। जब हम अपनी लड़कियों को लेकर वहाँ से निकले, हाँ, लेकिन एक जो 100 नंबर हमने कॉल की थी ना, वो सही था कुछ, वो हमें बस स्टैंड तक छोड़ के गया है। उसने हमारी मदद करी थी और वही हमारी लड़की को निकलवा के लाया। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर।